अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 61 एपिसोड। और इस एपिसोड में हम गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस लैब्राडोर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, गोल्डन रिट्रीवर का ओरिजिन स्कॉटलैंड से है, और इनको 19th सेंचुरी में एज अ गन डॉग ब्रीड किया था। गोल्डन रिट्रीवर का इस्तेमाल हंटर्स के द्वारा शिकार किए गए वाटरफॉल्स, डक्स और बर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए किया जाता था, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर जब भी शिकार किए गए बर्ड्स को मुंह में दबा कर लेके आते थे, तब वो उनके सॉफ्ट माउथ से शिकार को बिना नुकसान पहुंचाए लाते थे, तो इसीलिए ही इनके नाम के आगे रिट्रीवर लगता है। गोल्डन रिट्रीवर डॉग 3 टाइप्स में पाए जाते हैं, जो कि ब्रिटिश गोल्डन रिट्रीवर, अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर और कैनेडियन गोल्डन रिट्रीवर। और इनका कोट और साइज इन तीनों टाइप्स में अलग अलग होता है। गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स अच्छे स्विमर भी होते हैं। लैब्राडोर डॉग को पहले कनाडा में ब्रीड किया गया था, और इस ब्रीड के फाउंडर जॉनसन वाटर ने 1822 में पहले लैब्राडोर डॉग ब्रीड किया। पहले इस डॉग का इस्तेमाल फिशरमैन की हेल्प करने के लिए किया जाता था। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन, गोल्डन रिट्रीवर डॉग इंटेलिजेंट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। ये डॉग ब्रीड इंडिया में बहुत फेमस है, और इन डॉग्स को बहुत से मूवी में भी कास्ट किया गया है, क्योंकि अच्छे से ट्रेन होते हैं। गोल्डन रिट्रीवर डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए अच्छी है, क्योंकि अच्छे से सोशलाइज होते हैं। गोल्डन रिट्रीवर डॉग को मैच्योर होने में टाइम लगता है, और ये डॉग 3-4 साल के होने के बाद भी पप्पी जैसे बिहेव करते हैं। गोल्डन रिट्रीवर डॉग फैमिली फ्रेंडली डॉग ब्रीड हैं। गार्डिंग के मामले में देखें तो गोल्डन रिट्रीवर डॉग अच्छे वॉच डॉग होते हैं, लेकिन फ्रेंडली नेचर होने के कारण ये अच्छी तरह गार्डिंग नहीं कर सकते। गोल्डन रिट्रीवर डॉग मीडियम साइज के होते हैं, और इनको रहने के लिए मीडियम और लार्ज साइज के घर की ज़रूरत होती है। इनको डेली 30 to 40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। लैब्राडोर रिट्रीवर वर्ल्ड की फैमिली डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये डॉग्स जितने फैमिली फ्रेंडली होते हैं, उतने ही प्रोटेक्टिव एंड गुड गार्ड डॉग भी होते हैं, और ये डॉग्स छोटे बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आसानी से घुल मिलकर रहते हैं। ये मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, और ये डॉग्स अपार्टमेंट या फिर मीडियम साइज के घर में आसानी से रह लेते हैं। लैब्राडोर डॉग वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 7 पर है, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री या फिर पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग, गोल्डन रिट्रीवर डॉग क्रीम, डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन और गोल्डन कलर्स में पाए जाते हैं। गोल्डन रिट्रीवर डॉग के पास वाटर रिपेलेंट डबल कोट होता है, जो कि सीजनली शेड करता है, और इनका शेडिंग सीजन 7 to 8 मंथ्स में आता है। गोल्डन रिट्रीवर डॉग का लॉन्ग कोट होने के कारण इनको रेगुलर ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना ज़रूरी है। लैब्राडोर डॉग ब्लैक, चॉकलेट और व्हिटन कलर्स में पाए जाते हैं, और इनका कोट शॉर्ट होता है, इस वजह से इन्हें मेंटेन रखना आसान होता है, और इनका शेडिंग सीजन 6 or 8 मंथ में आता है। हाइट, गोल्डन रिट्रीवर की एवरेज हाइट 20 to 24 इंचेस होती है। लैब्राडोर की एवरेज हाइट 21 to 23 इंचेस होती है। वेट, गोल्डन रिट्रीवर का एवरेज वेट 28 to 34 केजी तक होता है। लैब्राडोर का एवरेज वेट 25 to 34 केजी तक होता है। लीटर साइज, गोल्डन रिट्रीवर की लीटर साइज एवरेज 4 to 10 पपीज तक होती है। लैब्राडोर डॉग की लीटर साइज 5 to 10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, गोल्डन रिट्रीवर का लाइफ स्पैन 10 to 12 इयर्स तक होता है। लैब्राडोर का लाइफ स्पैन 10 to 12 इयर्स तक होता है। प्राइस, गोल्डन रिट्रीवर की एवरेज प्राइस 15,000 से लेके 25,000 तक है। लैब्राडोर रिट्रीवर की प्राइस 8,000 से लेके 15,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 58th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। We'll be right back.